एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे कुछ पार्ट दे रखे हैं, इन सभी पार्ट में आपको जीरो निकालना है, ठीक है। जीरो मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जिसको अगर हम पुट करें पॉलीनोमियल में तो उस पॉलीनोमियल का क्या बन जाए, जीरो। पहला पार्ट है पी एक्स गिवन आपको एक्स प्लस फाइव, इसका जीरो निकालना है। मतलब इस x प्लस फाइव में x की जगह हम क्या पुट करें ताकि ये जीरो बन जाए, ठीक है। जीरो निकालने के लिए जिस भी पॉलीनोमियल का जीरो निकालना है आपको, उसको सबसे पहले इक्वल रखना है जीरो के, ठीक है। जीरो के इक्वल पुट करना है, मतलब इस पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पी एक्स क्या आपका x प्लस फाइव, इसको इक्वल पुट करेंगे जीरो के, और यहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू निकाल देंगे। x यहाँ से क्या आएगा, प्लस फाइव को घर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस फाइव, जीरो माइनस फाइव कितना आएगा, माइनस फाइव। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस फाइव, इसका क्या होगा, जीरो होगा, इज ए जीरो ऑफ ए पी एक्स, ठीक है। अब अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, x की जगह माइनस फाइव यहाँ पुट करके देखो, माइनस फाइव प्लस फाइव कितना आएगा, जीरो। ये आपका इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो आ गई, एक्स की वैल्यू माइनस फाइव पुट करने पर तो माइनस फाइव को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम ऐसे सेकंड पार्ट कर रहा है तो बराबरी कर लेते हैं, इसको इक्वल रखेंगे जीरो के, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल पुट करते हैं अगर जीरो के, तो एक्स क्या आएगा प्लस फाइव, तो फाइव आ गया माइनस का इधर, तो माइनस का प्लस का बन जाएगा, तो एक्स हो जाएगा प्लस फाइव, इसका जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस फाइव, इसको क्या जाएगा जीरो होगा। ऐसे भाई थर्ड पार्ट है टू एक्स प्लस फाइव, अगर हम 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x निकालेंगे, 5 को लेके जाओ, इसका हो गया माइनस का हो गया माइनस 5, और 2 मल्टीप्लाई में x के साथ उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x क्या आएगा माइनस 5 अपॉन 2, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2, इसका क्या बनाएगा 0, ठीक है। ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा। फोर्थ में सेम ऐसे ही, इसको अगर हम 0 इक्वल पुट करते हैं 3x minus 2 is equal to 0, 2 आने के जाओ, इसको जाएगा प्लस का जाएगा, 3x is equal to 2, x क्या आएगा, 3 उधर लेके जाएंगे, 3 जाएगा डिवाइड में, तो आएगा 2 upon 3, 4th का जाएगा x equal to 2 upon 3, is the 0 of px, 5th पार्ट में 3x है, हम 3x को equal put करेंगे 0 के, तो x क्या आएगा, बोलो, x क्या आएगा, x आ जाएगा 0, कैसे, हम 3x को इक्वल पुट कर रहे हैं 0 के, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x आएगा 0 अपॉन 3, और 0 को आप किसी से डिवाइड करो क्या आता है 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ पॉलीनोमियल 3x, ठीक है। 6th पार्ट है, यहां पर 3x है, यहां पर ax आ गया, अब ax को इक्वल पुट करना है 0 के, सेम ऐसे x क्या आएगा 0 अपॉन a, सेम ऐसे x क्या आएगा आपका यहां से भी जीरो, जीरो को बताओ किसी से डिवाइड करो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, इसका बन जाएगा जीरो। 7th पार्ट है सी एक्स प्लस डी, इसमें हमें सी एक्स प्लस डी को इक्वल करना है जीरो के और x निकालना है, पहले d को लेके जाओ, d प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, x क्या आएगा, अब c को लेके जा रहे उधर, c मल्टीप्लाई में x के साथ उधर लेके जाएंगे ग्रैंड में जाएगा, तो x आएगा माइनस d अपॉन c, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c इज a जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल px। इसका मतलब अगर x की जगह माइनस d अपॉन c इसमें पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। याद आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी।